हाँ जी देखिए विद्वानों, अब जैसे विद्वानों ने कहा भैया सुरेंद्र की कयामत की मेरी आहे गजब के उसके नाले ही कलेजा थाम कर बैठो कि जितने सुनने वाले हैं भैया चुना करती थी वो लैला मजनू को अपने पलकों से ये वही कांटे ही जो मजनू के तलबों से निकाले हैं। देखिए विद्वानों संध्या बंधन का समय बेटा अरे राम नैनों के तारे और विपन को चले ये अयोध्या सजी की सजी रह गई शांति बनाएंगे माननीय कमेटी लौट ननिहाल से जब भरत आ गए भरत ननिहाल से वापिस आए देखा राजमहल सुने हैं मेरे राम वनवासी हो गए कैसे अकेला रहूं किस तरह भगवान राम के बगैर मैं
14 मिनट नहीं रह सकता, 14 बरस अकेला कैसे रहूंगा। भरत जी कहने लगे, 14 बरसों अकेला रहूं किस तरह, उनकी हिलकी बंधी की बंधी रह गई। विद्वानों बताया, पुनः प्रस्तुति जो मैं छोड़ के गया था, जिस वास्ते मैं तुम्हारे यहां तुम्हारी सेवा करने आया, वो जाट हिंदू फौज महाराज सूरजमल का बदला लेने की आग धधक रही है। विद्वानों लाल किले के दरवाजे पर अड़े हैं और मुगलों की संगोष्ठी, अहमद शाह बादशाह ने अपने सिपहशालार से कहा कि मेरी फौज लड़ाकू मुसलमान सेना तैयार करा दी जाए। भैया नजफ खान कहने लगा, अरे नजफ खान कहने लगा और बुला सिपहशालार, और हिंदू से लड़ना पड़े मेरी फौज करो तैयार। भैया जी ये माहौल दिल्ली के लाल किले पर है। भैया कैसे? अरे फौज करो तैयार, सुनो सरदार क्यों देर लगाई, और अब की जाटन ते भैया मेरी होगी लड़ाई। शेर
विद्वानों। अरे ओ मेरे भगवान तेरे पचास रुपए का पुरस्कार। आहा हिंदू जिस्म पंडित जी, सम्मानीय श्री राजन जी धौर निवासी वीर गाथा पर पुरस्कार करते हैं। कैसे से माफी चाहेंगे, बहुत रूहानी आपका कार्यक्रम चल रहा था और सरदारी से भी माफी चाहेंगे कि बाहर बूंद आने लग गई है। देखो परेशानी और कुछ नहीं, लेकिन राम राम जी, राम राम, 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 राम।